अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आप देख रहे हैं मिस्टर उमर। एक दफ़ा हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रख के और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? है, शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह जो है स्टोरी वीडियो या इस्लामिक वीडियो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो गाइज़ मैं आपको प्रॉपर वे में सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह की वीडियो किस तरह तैयार कर सकते हैं। सो गाइज़, प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। सो गाइज़, आते हैं सीधा गूगल की स्क्रीन पर। तो गाइज़, गूगल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है जी Q4Quits। Q4Quits जैसे लिखते हैं तो गाइज़ आपके पास जो फर्स्ट जो वेबसाइट होगी, ठीक है, आपने गाइज़ उसको क्या करना है, क्लिक करना है और उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज़ आपके पास इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। तो गाइज़ इसका बहुत ही यूनिक डिस्प्ले है, ठीक है। ये देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है उर्दू स्टोरीज़ वाकियात, ठीक है, तो इस्लामिक रिलेटेड आपको बहुत सारी यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो गाइज़ यहाँ से आप इजीली जो है ना कोई भी वाकया इजीली आप जो है पीडीएफ में या यहीं से ही कॉपी कर सकते हैं आप। तो गाइज़ यहाँ पे देखें एक वाकया, ठीक है, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइज़ क्लिक करने के बाद गाइज़ थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो गाइज़ नीचे आने के बाद गाइज़ ये देखें यहाँ पे उर्दू में प्रॉपर हमें वाकया दे दिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस वेबसाइट में जो है जितने भी वाकये हैं सारे उर्दू में ही हैं। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाके इजीली इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे वाकये को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जस्ट आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमारी सेकेंड वेबसाइट है वो है 11 Labs, ठीक है, यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना है। तो गाइज़ ये जो 11 Labs है ये आपको टेक्स्ट टू स्पीच देती है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देखें हमें सर्च बार दी गई है। तो गाइज़ यहाँ पे एज इट इज़ जो आपने कॉपी किया है, ठीक है, आपने एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देखें मैंने वाकया जो है वो उसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद गाइज़ नीचे जो है ये यहाँ पे आपको वॉइस ओवर मिलते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप वॉइस ओवर जो है मेल या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे पास आती है जी जनरेट स्पीच की, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है। वेट करने के बाद गाइज़ आपकी जो टेक्स्ट होता है ये ऑडियो में सारा रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, जो भी आपने जो है मेल या फीमेल जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसके रिलेटेड आप यहाँ पर ऑडियो जो है पूरी रिकॉर्ड हो जाती है। तो गाइज़ ये देखें ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है। देन यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और इसको आप कर लेते हैं डाउनलोड, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, 11 Labs पे आप इजीली जो है किसी भी स्पीच टेक्स्ट को जो है स्पीच में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी यहाँ पे ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। और सेकेंड जो वेबसाइट हमारे पास आती है वो आती है जी पिक्सबे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ले लेनी है पिक्चर्स, ठीक है, इस्लामिक, मैंने ऊपर इस्लामिक पिक्चर्स लिखे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे नीचे आते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए मैं नीचे आता हूँ यहाँ से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता हूँ। तो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स इस्लामिक रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स आप इजीली यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साइन इन करना चाह रहे हैं तो गाइज़ गूगल से साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती है इस तरह की, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारे पास जो नेक्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो आएगी हमारे पास कैपकट, ठीक है। हमने जो है ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, और हमने पिक्चर्स भी डाउनलोड कर ली। तो गाइज़ यहाँ पे आते हैं कैपकट में, ऑडियो में आते हैं, और यहाँ पे हमने वो ऑडियो अपलोड करनी है जो हमने जो है टेक्स्ट टू स्पीच जो हमने ऑडियो डाउनलोड की थी। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने उसको ऐड किया है, ठीक है, जो हमारे पास जो हमने 11 Labs से जो हमने डाउनलोड की स्पीच वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे हमने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद गाइज अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है पिक्चर्स जो है यहाँ पे ऐड करनी है 1 by 1, ठीक है, ताकि प्रॉपर वीडियो जो है हमारी क्रिएट हो जाए। तो गाइज़ 1 by 1 हमने क्या करनी है, यहाँ पे पिक्चर्स जो है उसको हम 1 by 1 जो है ना पहले पिक्चर्स जो है अपलोड करते हैं, ठीक है, कैपकट में, ठीक है, देन हम पिक्चर्स जो है ना उसको हम ऐड करते हैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पे पिक्चर्स जो है अपलोड कर ली हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये मैंने 5 पिक्चर्स लिए हैं, आप जो है ज़्यादा पिक्चर्स ले लीजिएगा ताकि जो है 1 by 1 जो है वो चेंज होती रहे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे देखें मैंने जो है पिक्चर्स 1 by 1 यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये देखें एक पिक्चर पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे ये इस तरह से ऐड हो गई है, ठीक है। इस तरह से आपने 1 by 1 जितनी भी आपके पास पिक्चर्स होंगी आपने सारी 1 by 1 जो है ना आपने ऐड कर लेनी है। तो गाइज़ इस तरह से जो है ना ऐड करने के बाद जो है प्रॉपर एक वीडियो जो है क्रिएट हो जाती है। सो गाइज़ इस तरह से जो है ना आपकी जो वीडियो होगी वो इस तरह से जो है ना पूरी पिक्चर्स लग के एक वीडियो तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद आपने क्या करना है, आपकी देखें एनिमेशन का ऑप्शन आपको दिया गया, ठीक है। अब जो पिक्चर्स जो है 1 by 1 पिक्चर्स की एनिमेशन पर क्लिक करते रहना आपने। देखें
डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन हैं, ठीक है, वो रोटेशन होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो गाइज एनिमेट होती रहेंगी, ठीक है। तो आपने वन बाय वन पिक्चर्स जो हैं अपनी मर्जी से आप जो है ना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं उसको आप। एनिमेट करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे प्रॉपर आपकी एनिमेट होगी, ठीक है, वीडियो आपकी तैयार होगी है, देन आपने एक्सपोर्ट पर आना है। एक्सपोर्ट पर आने के बाद गाइज आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो गाइज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे MP4 है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ऊपर आते हैं तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आती है, ठीक है, 720 या 1080 है, जो भी आपने सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो है एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट लेंगे, 100% जैसे कंप्लीट हो गया तो आपकी जो वीडियो होगी वो ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं हमारी वीडियो जो है वो, ये देखें गाइज वीडियो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वीडियो किस तरह की क्रिएट हुई है। एक दफ़ा हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रख के और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जीब में कुछ है? है। शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। सो गाइज बहुत ही कमाल की वीडियो जो है हमारी जो है क्रिएट हुई है, ठीक है। आप भी इसी तरह जो है उर्दू स्टोरी या इस्लामिक स्टोरी आप इजीली जो है ना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको समझ आई होगी और आई होप कि आपको पसंद आई है वीडियो, पसंद आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।